मुजफ्फरपुर शहर के तीनकोठिया इलाके से ड्रग्स सप्लायर जावेद उर्फ सिन्हू के घर से पुलिस ने स्मैक के साथ 3 टाइम बम बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में फेरी लगाने वाले जावेद और यूपी के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि यूपी के 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। जावेद की मोबाइल से कश्मीर के अलग अलग जगहों की फोटो मिली है। आतंकी गतिविधि की आशंका पर एटीएस की टीम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बरामद टाइम बम में सर्किट लगा हुआ है। टाइमिंग सेट कर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको ब्लास्ट किया जा सकता था। टाइम बम को तत्काल डिफ्यूज कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता के साथ फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में आतंकी गतिविधि से तार जुड़ने की आशंका को देखते हुए एटीएस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि बरामद बम की मारक क्षमता कम है, इससे भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट करके भगदड़ मचाई जा सकती थी। जावेद मुंह खोलने से परहेज कर रहा है। जावेद के अलावा यूपी के 2 लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल्स व टावर लोकेशन की जांच की जा रही है। यूपी के 2 युवकों ने 2 मंजिला भवन में 10 दिन पहले किराए पर कमरा लिया था। 2 बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुकी है, वहां अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा बिहार के भी कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। अभी पूछताछ चल रही है, अभी अपना पूछताछ कर रही है, जो भी इनपुट है। मोबाइल को चेक कीजिए, हम लोग उसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं, जैसे भी कुछ फर्दर होगा आप लोगों को विधिवत बताएं। अरेस्टिंग बढ़ी है क्या सर, हिरासत में और भी कोई लिए गए हैं? नहीं, अब जो स्टेटस कल आप लोगों को अपडेट किया था हमने, वही स्टेटस अभी है और अभी इसमें काम चल रहा है। फर्दर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट होगा वो आप लोग हम लोग जरूर बताएं। सर जेल उल भेजने की भी तैयारी है किसी को? जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोग को बिल्कुल बताएंगे और ऑफिशियली बताएंगे। सर कौन कौन टीम अभी जांच कर रही है यहाँ पे? अभी वो सब डिस्कस करते हैं। Lux Collection by Royal Play. Glamorous, enchanting, intricate, bespoke wall finishes for modern homes. Go beyond the realm of paint and explore the possibilities of innovative wall textures. Choose these elegant textures from a range of shades.